फ्रेंड्स इस वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे पूरी इनॉर्निक के अंदर आपने एक जनरल क्वेश्चन देखा होगा, पूछते हैं कि कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा और कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने क्या किया कि आपके सारी चीज़ें पूरी इनॉर्निक के अंदर जो भी कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं यानी जो अपनी एनसीईआरटी के अंदर दिए हैं और जहाँ से प्रॉबिलिटी रहती है क्वेश्चन आने की, वो मैंने आपको इस वीडियो में कवर की है, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखना और आपको सारी चीज़ें आप बस इनको एक बार देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ बस यही कंपाउंड आपको ध्यान में रखे जाने हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बात आती है कि यार हम देखते हैं कि कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है कौन सा नहीं, तो ये चीज़ डिपेंड करती है किस पे, बैलेंसिंग पे, यानी कोई भी एलिमेंट कितने तक अपनी जो सेल है उसको एक्सपांड कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन को, यानी उसकी जो आउटर मोस्ट जो बैकएंड है उसके पास कितने हैं, ठीक है। तो उस पर चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो वो हमें चेक कर लेना। जैसे कार्बन है, कार्बन की मैक्सिमम बैलेंसिंग कितनी होती है, चार होती है, तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, चार बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अब हम कहें क्या, जैसे CCl4 एग्जिस्ट करता है, बट हम बोलेंगे क्या CCl5 करता है, तो नहीं करता, क्योंकि इसमें पांच बॉन्ड बनाए, जबकि कार्बन मैक्सिमम कितना बना सकता है, चार बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, तो मैंने इसमें आपको ब्लॉक वाइज समझाया कि ब्लॉक के अंदर कौन कौन से कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं एस ब्लॉक के अंदर, तो एस ब्लॉक के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों वो है बेरिलियम के ऊपर, ठीक है। देखो बेरिलियम जो है मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर चार तक अपने ऑर्बिटल्स को क्या करता है, एक्सपांड करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर चार का कंपाउंड बनाता है, इसको हम कहते हैं बेरिलेट आयन। क्या होता है, BOH का हॉल 4 2 नेगेटिव और BFO 2 नेगेटिव बनाता है, ये दो कंपाउंड बनाता है, ठीक है। अभी हम कहेंगे BOH का हॉल 5 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो अपन कहेंगे कि नहीं, इसका पेंटा जो कंपाउंड है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम, तो एस ब्लॉक में ये हो गया, उसके बाद आते हैं बोरोन फैमिली। तो देखो बोरोन फैमिली में ना इसकी जो बैलेंस है वो कितने तक एक्सपांड कर सकता है, जैसे बोरोन है, बोरोन के P1 होता है, ठीक है, तो एस का एक्सपांड करेगा तो 3P के और 1S का, यानी चार ऑर्बिटल्स हो गए हमारे पास, तो बोरोन कितने बना सकता है, मैक्सिमम चार बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो देखो बोरोन का BF3 3 तो उसका एग्जिस्ट करता ही करता है, लेकिन 4B और ऐसे BH4, ठीक है ना, BF4 नेगेटिव और BH4 नेगेटिव, ये क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन यदि यहाँ पे बात आती है क्या BH5 2 नेगेटिव या BH6 है ना 3 नेगेटिव, ये एग्जिस्ट करेगा क्या, तो बोलेंगे हम कि नहीं, ये नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपना उसको क्या है, एक्सपांड नहीं कर सकता, ठीक है। अब आती है अदर एलिमेंट की, MF6 3 नेगेटिव टाइप का कंपाउंड ऑल बोरोन फैमिली बनाते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट बोरोन, ओके, बोरोन नहीं बनाता क्योंकि बोरोन ओनली चार में एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो जैसे कि AlF6 3 नेगेटिव, तो बोले क्या एग्जिस्ट करेगा, तो हाँ करेगा, ठीक है, ये बना रहा है, बस आपको इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखना है। अब बात आती है, एक आता है ऑल ट्राई हैलाइड एग्जिस्ट। देखो बोरोन फैमिली के सारे ट्राई हैलाइड्स जो है एग्जिस्ट करते हैं, जैसे BF3 AlCl3 है ना GaCl3, बट TLI3 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, जो NCERT के अंदर दिया है, तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है थेलियम ट्राई आयोडाइड हमारा जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब देखो तो ये समझ में आ गया कौन एग्जिस्ट करता है। अभी जैसे एक क्वेश्चन और टाइप का बनता है इस पे कि TLCl स्टेबल बट TLCl3 नॉट स्टेबल, बिकॉज क्यों, तो आपने एक इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा होगा कि जैसे बोरोन फैमिली कार्बन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली के अंदर हम जैसे नीचे जाते हैं वहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उस ग्रुप की ज़्यादा स्टेबल होती है। तो जैसे बोरोन फैमिली की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3 और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है फ्रेंड्स, वो होती है +1। तो ऊपर से नीचे के लिए जाएंगे तो +1 की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो थेलियम अपना +1 में है इसीलिए स्टेबल है, जो +3 में इसीलिए अनस्टेबल है, तो इस तरीके से भी एक कंपाउंड बनती है, स्टेबिलिटी के ऊपर है, एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट माने वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बनेगा, इस पर तो आपको ध्यान रखना है। फिर हम चलते हैं इसमें को, अब हम चलते हैं कार्बन फैमिली पे। तो देखो कार्बन फैमिली के अंदर जो टेट्रावेलेंट कंपाउंड है वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं किसके, कार्बन के। कार्बन ओनली अपनी चार वैलेंसी के अंदर ही क्या है, अपना कंपाउंड बनाएगा, जैसे कि CCl4 है ना, CCl4 अपना ये बना लेगा, ठीक है, चार तक बनाता है। अभी हम कहेंगे CCl5 एग्जिस्ट करता है क्या, तो हम बोलेंगे नहीं करता है। बट कार्बन फैमिली के अदर मेंबर हैं वो MF6 2 नेगेटिव टाइप का कंपाउंड बनाते हैं, जैसे SiF6 2 नेगेटिव, GCl6 2 नेगेटिव, SnOF माने 6 में अपना क्या बनाते हैं, 6 को वैलेंसी तक अपने आप को एक्सपांड कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल बैकएंड होते हैं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि SiF6 2 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बट SiCl6 2 नेगेटिव इज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज क्यों, तो देखो मैंने यहाँ पे फ्लोरीन लिखा है, तो फ्लोरीन के जो हेक्साफ्लोराइड है वो सबके स्टेबल रहते हैं, लेकिन सिलिकन का जो क्लोराइड है, आयोडाइड, ब्रोमाइड, ये स्टेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि इसका लार्ज साइज होने की वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर जर्मेनियम का कर रहा है, तो हाँ हमें याद रखना है कि हाँ इसका ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इसको 2-3 बार देखोगे तो आपको मेमोराइज हो जाएंगी चीज़ें, और इसके अंदर कोई भी चारा नहीं है। मैंने यहाँ पे NCERT की जो चीज़ें दी है सिर्फ वही कवर की है, तो आप सिर्फ इतना ध्यान रख लोगे तो देखो NCERT से ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्या, कार्बन फैमिली। अभी हम देखते हैं कार्बन फैमिली के अंदर हैलाइड्स में भी बहुत बड़ा जो है एक कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब एक कॉन्ट्रोवर्सी रहती है चीज़ों की, कैसे क्या ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो कार्बन फैमिली में भी 2 टाइप के हैलाइड्स बनते हैं, MX2 टाइप के और MX4 टाइप के, ठीक है। अब देखो मोस्ट ऑफ कंपाउंड जो है MX4 टाइप की बात करते हैं पहले, MX4
टाइप के जो मोस्ट ऑफ कंपाउंड वो कैसे होते हैं, कोवेलेंट नेचर के होते हैं, ठीक है। यानी जो ये टेट्राहैलाइड्स हैं कार्बन फैमिली के, वो मोस्टली कैसे होते हैं, कोवेलेंट नेचर के होते हैं। बट PBF4 दोनों के दोनों कैसे होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं। ये आपको याद रखना है जी, 2019 में नीट में पूछा गया SNF4 कैसे कोवेलेंट नेचर का है कि आयनिक नेचर का है, तो ये SNF4 और PBF4 दोनों के दोनों आयनिक नेचर के होते हैं, जबकि अदर जो टेट्राहैलाइड्स हैं वो कैसे होते हैं, कोवेलेंट नेचर के होते हैं, ठीक। अब आते हैं, देखो सारे टेट्राहैलाइड एग्जिस्ट करते हैं किसको छोड़ करके, लेड के ब्रोमाइड को और आयोडाइड को, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक। तो PBBr4 और PBI4 नॉट एग्जिस्ट, जो आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आते हैं MX2 टाइप के कंपाउंड। तो देखो अब मैंने आपको बताया जी, इसकी कार्बन फैमिली की हाइएस्ट बैलेंसी होती है कितनी, +4, ठीक है। लोवेस्ट होती है +2। तो देखो +2 मैंने आपको बताया, इनर पेयर इफेक्ट की वजह से जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी जो है +2 की, यानी MX2 टाइप के कंपाउंडों की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाती है तो क्या है, बढ़ती जाती है। तो देखो कार्बन सिलिकन जर्मेनियम और टिन और लेड, ठीक है। तो आप देखो लेड के अंदर, देखो लेड के मैंने पहले जर्मेनियम में, देखो जर्मेनियम में GX4 ज़्यादा स्टेबल है किससे, GX2 से, ठीक है, सही बात है। अब नीचे जैसे जैसे आएंगे तो X2 वाले कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, तो जैसे PbX4 लेस स्टेबल है PbX2 से, ठीक है, किसकी वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको कहूँगी, यदि कभी भी SN के केस में पूछा जाए SNF4 X4 और SNX2, तो आपको हमेशा SNX2 को मोर स्टेबल बताने, भले ही नीचे का एलिमेंट है लेकिन अपना इसमें स्टेबिलिटी +4 ही रहता है, ये एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखना है। इनर्ट पेयर इफेक्ट में हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो टिन का, तो देखो कार्बन सिलिकन और टिन है ना, कार्बन सिलिकन जर्मेनियम टिन और लेड, ठीक है। तो देखो लेड का X2 ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन यहाँ और उससे ऊपर वालों का F4 माने टेट्रावेलेंट कंपाउंड ही ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नाइट्रोजन फैमिली पे। तो देखो फ्रेंड्स, नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जो नाइट्रोजन है ना, उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है 4 तक, यानी मैक्सिमम ये 4 बॉन्ड बना सकता है। बट अदर एलिमेंट जो है अपनी एक्सपांड करते हैं, और जैसे PF6 नेगेटिव तक, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल बैकएंड होते हैं, इस टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। अब देखो इनके हैलाइड्स देखते हैं, ये 2 टाइप के हैलाइड बनाते हैं, टेट्राहैलाइड एंड पेंटाहैलाइड, ठीक है। तो देखो ऑल ट्राई हैलाइड एग्जिस्ट करते हैं, माने सारे कंपाउंड के जो ट्राई हैलाइड हैं वो क्या करते हैं, स्टेबल होते हैं, एक्सेप्ट क्या, नाइट्रोजन के, क्या नाइट्रोजन के, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, ठीक है। तो देखो ऑल ट्राई हैलाइड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं बट क्या, एक्सेप्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड स्टेबल नहीं होते हैं। नाइट्रोजन का ओनली जो है NF3 स्टेबल होता है, बट NCl3, NBr3, Ni3 ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। यानी देखो आप नाइट्रोजन फैमिली के सारे ट्राई हैलाइड्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और नाइट्रोजन का ओनली NF3 ट्राई हैलाइड जो है वो स्टेबल होता है, बाकी अदर जो ट्राई हैलाइड्स हैं उसके स्टेबल नहीं होती हैं, ठीक है। अब आते हैं हम किस पे, पेंटाहैलाइड पे। अब आप सोच रहे हो हम ये सारी चीज़ें कैसे याद रखें, तो देखो आप वीडियो को एक दो बार देखो, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि यार हाँ ये एग्जिस्ट करता है और ये नहीं, इसमें याद ही करना है, अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आते हैं, देखो नाइट्रोजन मैंने बोला मैक्सिमम 4 तक बॉन्ड बना सकता है, तो नाइट्रोजन कभी भी पेंटावेलेंट फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो अदर एलिमेंट क्या होंगे, पेंटावेलेंट बनाएंगे, तो इसमें भी बिस्मिथ का ओनली BiF5 ही एग्जिस्ट करता है, और कोई भी पेंटावेलेंट जैसे BCl3, Bi3 बिस्मिथ का एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। यदि मैं बोलूं क्या BiCl5 एग्जिस्ट करेगा, BrBr5 एग्जिस्ट करेगा, तो मैं बोलूंगी और आयोडीन वाला भी, तो बोलेंगे नॉट एग्जिस्ट, जी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बिस्मिथ का ओनली पेंटाफ्लोराइड ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब चलते हैं हम नीचे, तो देखो अब आते हैं एक पॉइंट है, BiF3 को छोड़कर सभी ट्राई हैलाइड मोस्टली कोवेलेंट नेचर के होते हैं, माने बिस्मिथ का जो ट्राई फ्लोराइड है उसको छोड़ करके सारे ट्राई हैलाइड से, चाहे वो फ्लोराइड हो, आयोडाइड हो, है ना, ब्रोमाइड हो, क्लोराइड हो, सबके सब कैसे नेचर के होते हैं, कोवेलेंट नेचर के होते हैं। तो फिर बात आती है BiF3 कैसा होता होगा, तो जी BiF3 के अंदर कैसी नेचर होती होगी, आयनिक नेचर का होता होगा ये, इसीलिए, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, PF3 PCl5 एग्जिस्ट, बट NF5 NCl5 नॉट एग्जिस्ट, क्यों नहीं, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये अपने ऑर्बिटल्स को एक्सपांड कर लेते हैं, और इसके पास डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं, इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है नाइट्रोजन की, 4 होती है, ठीक है। अब उसके बाद है PF5 PCl5 एग्जिस्ट, बट PH5 नॉट एग्जिस्ट, तो देखो ये तो 5 वाला है, फॉस्फोरस है तो बनाना चाहिए, बट नहीं बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बहुत कम है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, और साइज भी क्या है, बहुत स्मॉल साइज है, जो इसके ऑर्बिटल्स के साथ में, फॉस्फोरस के ऑर्बिटल्स के साथ में प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं कर पाता है, इसीलिए ये जो है PH5 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। बट PH3 फॉस्फीन एग्जिस्ट करता है, ठीक। अब उसके बाद एक और आता है PCl6 नेगेटिव एग्जिस्ट, बट PI6 नेगेटिव नॉट एग्जिस्ट। तो अब देखो इसका जो है क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जो फ्लोराइड इसका जो आयोडाइड है इसका साइज ज़्यादा होने की वजह से ये इससे अच्छे से बॉन्डिंग नहीं कर पाता, तो PCl6 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, बट PI6 नेगेटिव नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं अपनी ऑक्सीजन फैमिली पे।
अब देखो ऑक्सीजन फैमिली के अंदर जो क्वेश्चन बनता है वो हैलाइड्स के ऊपर ही बनता है। तो देखो ऑक्सीजन फैमिली जो है ये तीन टाइप के हैलाइड्स बनाती है, EH2 टाइप, EX4 टाइप और EX6 टाइप। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, EX6 देखते हैं, क्योंकि ये इसमें कुछ भी नहीं है। देखो हेक्सा हैलाइड में ओनली क्या एग्जिस्ट करता है, तो याद रखो दोस्तों हेक्सा हैलाइड के अंदर माने ओनली फ्लोराइड एग्जिस्ट करता है, माने सारे एलिमेंट के हेक्सा फ्लोराइड्स बनते हैं, लेकिन किसी का भी हेक्सा क्लोराइड, हेक्सा ब्रोमाइड, हेक्सा आयोडाइड, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे SF6 एग्जिस्ट कर रहा है, बट SCl6 एग्जिस्ट करेगा, तो हम यहाँ बोलेंगे नॉट एग्जिस्ट। ओनली हेक्सा हैलाइड्स में कौन एग्जिस्ट करता है, हेक्सा फ्लोराइड करता है। ठीक है, हेक्सा फ्लोराइड एग्जिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं इसके टेट्रावेलेंट कंपाउंड पे, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें ध्यान रखना है SF4 गैस होती है, SeF4 लिक्विड होता है, TeF4 सॉलिड होता है। ये चीज़ मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि NCERT में दिया है इस तरीके से। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आते हैं इसके डाइवेलेंट कंपाउंड पे, तो देखो डाई हैलाइड्स क्या होते हैं, ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन फॉर्म डाई हैलाइड। ठीक है, सारे एलिमेंट्स डाई हैलाइड बनाते हैं, किसको छोड़ करके, ऑक्सीजन को छोड़ करके। अब देखो इसके जो मोनो हैलाइड्स बनते हैं उनमें क्या होता है, वो डायमेरिक नेचर में चले जाते हैं, जैसे है ना, जैसे कि मैंने बोला कि डायमेरिक नेचर में चले जाते हैं मोनो हैलाइड, जैसे SF2 बना। ठीक है, SF2 अभी इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, डाइमराइज हो जाएगा और क्या बनाएगा, H2F4 बना लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से, बट आपको ये मतलब ऐसी पॉइंट इसको ध्यान रख लो कि ऑल मोनो हैलाइड डायमेरिक इन नेचर के होते हैं। ठीक है, अब डायमेरिक जो हैलाइड्स हैं, जैसे ये मेरा क्या है, डायमेरिक हैलाइड है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे मत समझो, है ना, ये जो बात है इसको हटा दो, इसको कुछ भी नहीं है। ठीक है, लाइन NCERT की ध्यान रख लो बस। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसके जो डायमेरिक हैलाइड है वो कैसा डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करते हैं, तो आप देखो ये डाई हैलाइड होगा Fe2Cl2, Fe2Br2, Fe2Cl2, है ना, है ना। अब देखो इसका सेलेनियम का जो क्लोराइड है वो क्या कर रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, SCl4 बना रहा है और सिलिकन बना रहा है। ठीक है, तो ये अब देखो इसमें जो है सिलिकन के अंदर ये किसमें 2x-2=0, यानी ये यहाँ पे +1 में, यहाँ कहाँ +4 में, ये 0 में, तो क्या हुआ, एक रिडक्शन भी हुआ और ऑक्सीडेशन भी हुआ। ठीक है, तो ये कैसी होगी, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं किसका, हैलोजन्स में। तो देखो हैलोजन्स के अंदर क्या होता है, हैलोजन फॉर्म मेनी ऑक्साइड विद ऑक्सीजन बट मोस्ट ऑफ देम अनस्टेबल। हैलोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बहुत सारे ऑक्साइड बनाते हैं, बट सारे के सारे ऑक्साइड कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, और जो ऑक्साइड की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है, जैसे आयोडीन जो है सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड बनाता है, फिर उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन। ठीक है, तो इस तरीके से, और जो फ्लोरीन होता है उसके तो दो ही जो ऑक्साइड हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, फ्लोरीन के क्या, OF2 एंड O2F2। ठीक है, ये दो ही फ्लोरीन के ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं बस। तो और अपने ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, तो ये होगी सबसे ज़्यादा जो स्टेबल ऑक्साइड होंगे वो आयोडीन के होंगे, उससे कम क्या है, क्लोरीन के, उससे कम ब्रोमीन के। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाह रही हूँ आपको, देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कम हो रही है लगातार। ठीक है, तो देखो ये जो चेंज है ना, ये मतलब ये तीर सा निकला है, ये बताता है कम, जिसका मान कम होगा उसकी तरफ होगा ये, और जिसका मान ज्यादा उसकी तरफ ये मुंह फट रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है। ठीक है, कभी भी इस तरीके से चीजें लिखी है, यानी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इस तरीके से लिखी है वो कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये फट रहा है ना, तो इनमें कभी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब देखो कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं और नहीं करते हैं, ये तो मैंने आपको जो है ब्लॉक के सारे ब्लॉक को लेकर के बता दिया, क्योंकि आप ब्लॉक वाइज ध्यान रखोगे तो आपको चीज़ें इजीली याद हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं एक टाइप का और क्वेश्चन बताती हूँ जो आपसे पूछा जाता है, जैसे कहता है कौन से युग्म का युग्म एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकता, माने ये एक साथ में नहीं रह सकते, तो आप खुद बताइए कि जो डिफरेंट नेचर के दो पर्सन है क्या वो कभी भी साथ में रह सकते हैं, आप बताइए। जैसे आपकी सोच कुछ और है, आपके दोस्त की सोच कुछ और है, तो क्या आपकी दोस्ती ज़्यादा टाइम तक चल सकती है, नहीं चल पाएगी, कब चलेगी। ठीक है, तो बस यही है, हमारा नेचर जो है सेम होना चाहिए, अलग अलग नेचर हुआ तो हम साथ में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यदि सेम नेचर हुआ तो हम साथ में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे, तो देखो आप देखो SnCl2 में जो किसमें +2 में, अब ये +2 में तो मैंने आपको बताया अभी इससे पहले, जो टिन है ना वो किसमें स्टेबल होता है, SN+4 में, यानी ये किसकी टेंडेंसी किसकी है, ऑक्सीडाइज होने की। ठीक है, अब आपको सोचिए HgCl2 क्या है, इसमें किसमें है, ये +2 में, अब ये क्या करेगा, ये मरकरी किसमें स्टेबल होता है, Hg+1 में, किसमें +1 में ज़्यादा स्टेबल होता है, जी मोर स्टेबल है, इसमें ये मोर स्टेबल है, तो ये क्या हुआ बताओ, इन दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टी देखो, ये कहाँ है ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, ये कहाँ रिड्यूस होना चाह रहा है, तो अब क्या होगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये ले लेगा, यानी ये क्या कर लेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ में रिएक्शन कर लेंगे, तो क्या ये एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर पाएंगे, माने यहाँ पे एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि वो आपस में वैसे के वैसे ही रहने चाहिए, सेम का मतलब ये है कि जैसे ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये भी ऑक्सीडाइज होना चाहिए, रिड्यूस हो रहा है तो ये रिड्यूस होना चाहिए, मतलब दोनों की नेचर सेम होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए कि दोनों आपस में रिएक्शन कर लें। अब देखो एक ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, एक रिड्यूस होना चाह रहा है, तो दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे, तो कोई अदर कंपाउंड बनेगा ना, ये थोड़ी एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या चलते हैं अपन, अब देखो इसको देखते हैं SN+2 में और ये किसमें Fe+2 में, अब देखो मैंने आपको बताया आयरन का Fe+3 में जा सकता है ये, ठीक है, और ये किसमें जा सकता है SN+4 में, मोर स्टेबल होगा ये इसमें होगा, तो आपको सोचिए जब ये इसमें होगा ये इसमें होगा, तो इसमें भी ऑक्सीडाइज होना है, इसमें इसको भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने, इसको भी रिलीज करने, तो ये क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, है ना,
तो इनकी नेचर के अब रिलीज कब करेंगे, जब कोई लेने वाला होगा। अब दोनों के दोनों एक कंटेनर में पड़े हैं, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर ये दोनों के दोनों क्या पड़े हैं, तो इनके पास कोई लेने वाला नहीं है, तो ये क्यों देंगे, तो ये एक साथ रह सकते हैं बिना झगड़ा किए, इंतजार करेंगे कि कोई लेने के लिए आ जाए, ठीक है। यानी आप क्या समझे कि देखो जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन यदि पॉसिबल है, मतलब उन्हें स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो वो एडजस्ट नहीं करेंगे, जो आपस में रिएक्शन कर लेंगे वो एडजस्ट नहीं करेंगे, और जो आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे वो एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो ये भी +4 में अपनी स्टेबिलिटी में, ये भी +3 में, तो अभी आपस में आपने अपने बैठे ना आराम से स्टेबल में, किसी की जरूरत ही नहीं लेने की ना देने की, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा, जो +2 में है, जिसका +2 में है, अब ये कहाँ किस में जाएगा, +3 में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे। तो इसीलिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में एडजस्ट नहीं करेंगे, बट ये एडजस्ट करेंगे, ठीक। अब देखो इस टाइप का कंपाउंड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक बात और देखो, कभी भी फ्रेंड्स आपस में जैसे कहते हैं कि क्या एसिड को, मतलब कोई दो कंपाउंड है, ठीक है, वो आपस में एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब एक साथ रख सकते हैं क्या उनको, तो देखो हमेशा याद रखना, यदि एसिड एसिड है, जैसे यहाँ पे रिएक्शन कर रहे थे, ठीक है, तो एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वैसे ही है, यदि एसिड एसिड है, दो एसिडों को हमेशा एक साथ रखा जा सकता है, क्योंकि एसिड एसिड से थोड़ी रिएक्शन करता है, ठीक है, बेस बेस है, बेस बेस से रिएक्शन नहीं करेगा, ये एसिड एसिड के साथ एग्जिस्ट कर सकता है, बेस बेस के साथ एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन एसिड बेस के साथ कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे, क्या बना देंगे, साल्ट बना देंगे, बस। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए कि इसकी एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, कि कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, कौन सा नहीं करता, ठीक है। बस आपको ये सी वीडियो को बार बार देख लेना, जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं या पॉसिबिलिटी है जो एनसीईआरटी के अंदर दिया वो मैंने कवर किया है, और डेफिनेटली इससे आपको फायदा होगा, ठीक है, ठीक है बच्चों, और अपनी अच्छे से पढ़ाई करो, बाय।